क्या तकलीफ है? फेफड़ों में रेशा है। तो जाकर इलाज करो अपना। इस वक्त तो खाला आफत की परकाला तुम्हारे दिमाग का इलाज करने आया हूँ मैं। क्या बकवास की तुमने भाभी से? तुमसे मतलब? सगी भाभी है वो मेरी। मेरी भी सगी बहन थी वो। थी ना, खत्म कर दिया ना रिश्ता। तो बुझी हुई राग से चिंगारियां को रेंदने क्यों आ गए हमारे इलाके में? वाह क्या डायलॉग मारता हूं। बहुत फजूल। ये इलाका तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हां वही जागीर जिस पे दिन दहाड़े डाका डाला था तुम्हारे अब्बा हुजूर ने। और जो मुन्ने चाचा ने हथियाई थी जमजमा वाली शॉप वो? बेटा जब बड़ों की नियतों में खोट आ जाती है ना तो छोटों को छीना ही पड़ता है अपना हिस्सा। बिल्कुल सही तकसीम की थी अब्बा मियां ने। तुम उस तकसीम को छोड़ो, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए ना तो लिहाज नहीं करूंगा मैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा तुम्हारा। अरे अस्वी बेटा तुम यहाँ खड़े हो? सलाम अलैकुम। सलाम, अंदर आओ। आओ रहने दें अब्बा मियाँ, अपनी मोहब्बतों के खजाने ना लुटाएं अपनी इस चहीती मानो बिल्ली पर, मुझे जरूरत नहीं है। छोड़े इस जंगली कबूतर को, बढ़ाया अपनी भाभी का चहीता। एक दिन ना इसी तरह जल जल के राख हो जाओगी तुम इंशाल्लाह, और यही हसरत तुम कब्र तक लेकर जाओगे इंशाल्लाह। और ये आपने इतना बड़ा मुंह अपना क्यों लटका लिया? 5 साल में 5 मिनट तो दादा को दे सकता था वो कि नहीं? इतनी तमीज कहाँ सिखाई है सलीका चची ने? पर हमने अपनी औलाद को कहाँ तमीज सिखाई। चले अंदर चल के ड्रामे करें, चले ड्रामा करें, ड्रामा करें, हद हो गई यार। अरे निधा इतनी छोटी सी बात तुम दिल पर क्यों ले रही हो? छोटी सी बात नहीं है ये फराज, अम्मी और मानो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता मैंने और आपने ना भाग के शादी की हो। अरे सारा का सारा खानदान जानता है कि हमारी खालिसतन अरेंज मैरिज हुई है। वो कौन सा नहीं जानती? अरे उनको तो सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अब्बा और ताए के झगड़े में तुमने उनका साथ नहीं दिया बस। तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ के मैं के जाके बैठ जाती? यार तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उनको कभी ना कभी ये बात समझ में आ ही जाएगी। 5 सालों में तो नहीं आई, अब क्या खाक समझ में आएगी। ये लो खाना। अरे वाह, पड़ोस से तो जहर ही मिलेगा तुम लोगों को। थैंक यू। आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? गया था यार, एक ही लेक्चर था। बाय द वे ये लो आज का लेक्चर, क्या याद करोगी? हाँ याद करूंगी कि उस डायनासोर से तो बहुत डिफरेंट है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भी दोस्त तुम्हें। बाय द वे बबली बेताब हो रही है तुमसे मिलने के लिए, तो उसको बता देना कल मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, हमारा गेट शायद ये है। हां जी जी, वो एक्चुअली मानूर से मिलने आया था ना, क्लास फेलो है मेरी और अस्वी की भी, बताया तो होगा उसने आपको। बड़ी कोई खूनी नजरों से देखकर गई है मुझे। थैंक्स फॉर द लंच। ओके माशाल्लाह, तू तो कह रहा था आंटी का घुटना चेक कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो पूरा दिन क्या डॉक्टर के घुटने के साथ लग के बैठे रहता। खाना भिजवाया था अम्मी ने मानूर के लिए, वो देने आया था। अंदर नहीं आओगे तुम? नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। अब्बा मियां कह रहे म्यूजिक कलेक्शन देखने आऊंगा उनकी। ओके टेक केयर। ओके थैंक यू। ओके टेक केयर। ओए इंसान बन यार, सुन लेगी। अब बकवास बंद कर, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब अंदर जाके वही खाता हूँ टींडे गोश्त, चलना है तो आ। ओ भाई माफी, तुम्हारे वालिद मोहतरम ना कोई मुनासिब नजरों से देखकर नहीं गए इस टींडे को। हाँ तो बेटा जैसा मुंह वैसी चपेट, मुंह देखा है अपना गले रे कुलचे जैसा। चले